हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही मुर्ग। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। ये हमने चिकन को अच्छी तरह से धो करके किसी सूखे कपड़े से पोंछ लें या टिश्यू पेपर से इसे रैप करके सुखा लें। अब हमें इन सभी पीस में डीप कट लगाना है। इस तरह से एक तेज चाकू से इस सभी पीस में हम डीप कट लगा देंगे ताकि जब इसे हम मैरिनेट करें तो मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर जाए और वो मसालों के साथ मिक्स हो करके पूरा सॉफ्ट हो जाए हमारा चिकन। इसी तरह से सभी चिकन के पीसों में हम डीप कट लगा लेंगे। अब हम दही के साथ कुछ मसाले मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक घोल तैयार करेंगे। ये दही हम लिए हैं 400 ग्राम। ये बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए दही। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। इसके साथ ही हमें चाहिए हल्दी पाउडर, लहसुन की कलियां छिली हुई 20 से 25, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च, जितना तीखा खाना आप पसंद करते हो। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर हमें एक पेस्ट तैयार करना है। अब हमें मैरिनेशन के लिए घोल तैयार करना है। दही के साथ हम लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। नमक स्वादानुसार और हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, ताकि दही में जो हमने ये ग्रीन पेस्ट मिलाया है तो वो हरा नहीं हो करके हल्का सा पीला हो। सिर्फ इतनी ही हल्दी हमें लेना है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस तैयार घोल में मुर्गे का एक एक टुकड़ा लेकर के सभी के ऊपर इस घोल का परत चढ़ा देंगे और जितने भी हमने डीप कट लगाए हैं सभी में ये मिक्स भर देना है अच्छे से, ताकि जब हमारा दही मुर्ग बनकर तैयार हो तो वो काफ़ी जूसी और सॉफ्ट बने। तो इसी तरह से सभी टुकड़े को हमें इस घोल में लपेट लेना है बारी बारी से। इसे अब हमें कम से कम 3 से 4 घंटा जरूर भींगा करके रखना है। ढक करके इसे फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो जितनी ज़्यादा देर आप इसे रखेंगे इतना ही सॉफ्ट और जूसी आपका दही मुर्ग तैयार होगा। तो इसे अब हम ढक करके फ्रिज में रख देते हैं। लगभग 6 घंटे के बाद हम फ्रिज से निकाल लिए हैं और अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने के बाद पकाएंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। प्याज हमने 1/2 किलो लिया है। इसे लंबा और पतला चॉप कर लेना है। अब हमें दही मुर्ग के लिए 5 मगज को मिक्स करके पीस कर एक पेस्ट तैयार करना है। तो इसके लिए हमें लेना है सूरजमुखी का बीज, सनफ्लावर सीड 1 टेबल स्पून, पम्पकिन सीड, लाल कद्दू का बीज, इसको भोपला या सीताफल भी कहते हैं कहीं कहीं,
तरबूज, वाटरमेलन का बीज, खरबूज, मस्कमेलन बीज, पॉपी सीड, पोस्ता दाना। ये सभी हमें एक एक टेबल स्पून लेना है और इसे अब थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें पीस करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये हमारा मगज का पेस्ट पीस करके तैयार हो गया है। इसी तरह से थिक पेस्ट पीसना है। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। ये हमारा होममेड गरम मसाला है। अगर आपको नहीं पता हो ये कैसे बनाते हैं तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पर, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो देख सकते हैं। कसूरी मेथी 1 टीस्पून और फोरन के लिए हमने लिया है 1 तेज पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची 5 से 6, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। तो आइए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस हम ऑन कर लिए हैं। अब हमें घी गर्म करना है। ये घी लगभग 150 ग्राम है। घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हमें डाल लेना है हमारा फोरन, साबुत गरम मसाला, साबुत जीरा। हल्का सा इसे पका लेना है और अब हमें यहाँ हमारी कटी हुई प्याज को भूनना है। प्याज को तेज आंच पर ही हम चलाते हुए ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमें ध्यान रखना है प्याज को बीच बीच में ज्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, जले नहीं हमारा प्याज, इसलिए इसे हम चलाते रहेंगे। बीच बीच में चलाते हुए ही हमें प्याज को भूनना है। हमारा प्याज बिल्कुल प्याज को हमें तेज आंच पर बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, इसे ब्राउन होने तक हमें भूनना है, ब्राउन करना है इसे हमें भून करके। अब हमारा प्याज ब्राउन होने लगा है तो इसे अब कंटिन्यूसली चलाते रहना है। प्याज हमारा भून चुका है। प्याज को यही गोल्डन कलर आने तक भूनना है और अब हम यहाँ इसमें मैरिनेट हुआ हमारा चिकन जो रखा है उसे हमें ऐड कर लेना है। हमेशा ध्यान रखें कि चिकन को फ्रिज से निकाल करके आप पहले रख लें और रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद ही इसे पकाएं। ठंडा बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए चिकन, अगर चिकन ठंडा रहेगा तो वो गलेगा नहीं अच्छी तरह से और वो सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगा। हम इसे ढकेंगे नहीं और बीच बीच में इसे चलाते हुए तेज आंच पर ही भूनेंगे, बस बीच हर 1-2 मिनट पर इसे हम चलाते रहेंगे। चिकन को हम लगभग 6 घंटे के लिए
रख दिए थे फ्रिज में, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब दही हमारा काफ़ी भुना चुका है, तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, इन तीनों मसालों के साथ इसे हमें अभी काफी देर भूनना है। हम इसे ढकेंगे नहीं, इसे तेज आंच पर ही चलाते हुए भूनना है। आधा घंटा करीब हमारा हो चुका है, तो आप देख रहे हैं कि दही काफ़ी भुना चुका है और प्याज भी गल चुका है और घी इसमें दिखने लगा है। अब हमारा चिकन काफ़ी भुना चुका है और दही भी भुन करके अब इसमें तेल दिखने लगा है चारों तरफ से, तो दही हमारा पूरा भुना चुका है और हमने जो मसाले डाले थे वो भी भून चुका है। जब ये चारों तरफ से घी दिखने लगे और ये कलर ऐसा आ जाए, तो यहाँ पर हमें पांचों मगज का पेस्ट जो हम पीस कर रखे हैं उसे मिक्स कर लेना है और 10 मिनट इसे हमें इसके साथ चलाते हुए भूनना है। अब हमारा ये चिकन भून करके तैयार है और बिल्कुल ही कलर भी इसका बहुत ही सुंदर आ गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक करके पकाएंगे। चिकन भी हमारा लगभग पक चुका है और मसाला प्याज पूरा गल चुका है, हमने जो मगज के पेस्ट डाले हैं वो भी पक चुका है, तो यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है इसमें गरम मसाला। कसूरी मेथी को हल्का सा हाथ पर इसी तरह से रगड़ के उसका पाउडर बनाकर हम यहाँ डाल देंगे और 1 से 2 मिनट इसे फिर भून लेंगे। अब हम यहाँ इसमें पानी ऐड कर लेंगे ग्रेवी के लिए। हमें हमारे दही मुर्ग का जो ग्रेवी है वो ठीक रखना है, वो पतला नहीं करना है, तो पानी बहुत ही अंदाज से डालना है। इसे अब ढककर हम सिर्फ एक उबाल आने तक तेज आंच पर पकाएंगे। अब हमारा ग्रेवी अच्छे से खौलने लगा है। हमारा दही मुर्ग अब तैयार हो चुका है, तो यहाँ हमें गैस बंद कर लेना है और इसे ढक करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ही हम इसे परोसेंगे। ये हमारा दही मुर्ग
तैयार है। ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर करें, इसे आप ज़रूर बनाएं, खाएं और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। इसे बनाते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो है दही। दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो। अगर थोड़ा सा भी खट्टा होगा तो इसका जो ओरिजिनल ऑथेंटिक टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेवी बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। तो इसका आप खास ख्याल रखें, आप बनाएं, खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मुझे उम्मीद है ये टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टेस्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।